एक अच्छी खबर एंजल इन्वेस्टर्स के लिए। सेबी की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एंजल फंड्स के लिए नियम आसान बना दिए गए हैं और न्यूनतम निवेश सीमा 50 लाख से घटाकर यहां 25 लाख रुपए किए जाने को मंजूरी भी दी गई है और इस बारे में ज्यादा जानकारी हमने आपको कल ही दे दी थी। इसके अलावा 5 साल पुराने स्टार्टअप्स में निवेश और लॉक इन पीरियड को 3 साल से घटाकर 1 साल करने को भी मंजूरी दे दी गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी तरुण शर्मा ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। तरुण, और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ और अहम फैसले लिए गए? बिल्कुल, सेबी की बोर्ड बैठक में आज काफी अहम फैसले लिए गए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टअप्स का एक कल्चर तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि स्टार्टअप मार्केट में आए और अपने आप को लिस्ट कराएं। इस वजह से जो उनको पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो उनकी शिकायतें थी, सबको दूर किया गया है। जैसे लॉक इन पीरियड को 3 साल से घटा के 1 साल किया गया है। जो इन्वेस्टर्स की जो संख्या पहले 49 थी, उसको बढ़ा के 200 किया गया है। और साथ ही जो एंजल इन्वेस्टर्स के लिए 50 AIF के लिए जो 50 लाख की सीमा थी, उसको घटा के 25 लाख किया गया है। और एंजल इन्वेस्टर्स ओवरसीज अभी एक्सपोजर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने लिमिट रखी है कि 25% ही आपके टोटल कॉर्पस का ओवरसीज में इन्वेस्ट हो सकता है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट ट्रीटीज हम देख रहे थे कि हो जाती हैं पी फर्म्स के साथ साथ पी फर्म कंपनीज के साथ, तो उस पे भी सेबी ने साफ कर दिया है कि इस और रेगुलेशन की नोटिफाइड होने के बाद पिछले 3 साल की जितनी भी इस तरीके की ट्रीटीज हैं उनको स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना होगा। ये एक बुरी खबर पीवीआर के लिए जरूर होगी, क्योंकि पीवीआर को अभी शॉकलेस नोटिस यहाँ पे सेबी की तरफ से इशू किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने।